subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any updates. नमस्ते दोस्तों, सुवित किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन। इसको मराठी में झुनका भी बोलते हैं और पिटला भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। लहसुन की कलियां भी लिए मैंने, इसको मैं बारीक काट लूंगी। पांच से छह हरी मिर्च लिए हमने, आप आपकी टेस्ट मतलब कम तेज चाहते हो तो इसमें एक दो मिर्ची कम कर सकते हो। इसको भी हमें बारीक काट लेना है। एक करी की लकड़ी लिए मैंने, वो भी हम इसके साथ छोकने में डाल देंगे। मैंने को रख दिए है। चार टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद राई और जीरा साथ में लिया है। एक टेबलस्पून टीस्पून हम राई और जीरा डाल देंगे। इसको क्रैकल भून देंगे। उसके बाद हम एक पिंच हींग पाउडर जो है वो डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। लहसुन जो लिया है हमने वो लहसुन डालेंगे और उसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे और करी मिर्च की जो हमने एक डंडी ली थी वो भी डाल देंगे। और प्याज भी डाल देंगे। आधी टीस्पून नमक डाल के हम इसको प्याज को सॉफ्ट होने के लिए ढक के रखेंगे। पाँच से सात मिनट में हम एक दो बार चेक करते रहेंगे, नहीं तो प्याज क्योंकि तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है तो प्याज नीचे चिपक सकता है कढ़ाई में और जली हुई स्मेल हमारी बेसन में आ सकती है। हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, मतलब कि सॉफ्ट भी हो चुका है। ये जो बेसन लिया है हमने ये हम इसमें भूनेंगे। वैसे बिगनर जो होते हैं वो अलग टाइप से यही बेसन बना सकते हो कि ये जो बेसन का आटा है, एक कटोरे में पानी ले और पानी में आटा घोल ले और अभी मैंने जैसा डाला है ये सूखा आटा वैसे ही वो जो पतला आटा पानी से किया है आपने वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद नमक डाल के आप हिला के पाँच मिनट उबाल आने के बाद ढक्कन लगा के आप उसको पका ले सकते हो। ऐसे टाइप से आप बिगनर बना सकते हैं क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ने की चांसेस होती है तो आपको उतनी आदत नहीं होती है तो आपको वो थोड़ा हार्ड जा सकता है। तो जो सिंपल प्रोसीजर है मैंने जो आपको बताई आप उस तरह से कर सकते हो। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम भून लेंगे, ढक्कन रखेंगे दो मिनट के लिए। बेसन को बेसन के आटे को हमने दो मिनट के लिए भून लिया है। इसमें अब हम नमक डाल देंगे। आधी टीस्पून नमक हमने प्याज में डाला था, एक टीस्पून नमक हमने डाला है। क्या होता है कि इसमें पानी डलता है। मैंने एक कटोरी बेसन का आटा लिया था तो दो कटोरी हम धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे तो पानी के हिसाब से नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम पानी डालेंगे इसमें। एक कटोरी पानी डाला है लेकिन इसमें और पानी एक कटोरी पानी मैं ऐड करूंगी। और इसको चलाते हुए इसकी गुठलियां नहीं होने देनी है हमें।
मीडियम फ्लेम ही रखी है हमने। एक भी गुठली नहीं बनी है हमारी। इसे गोटा हुआ भी बेसन बोलते हैं। और आप जो बनाओगे मतलब कि पानी में आटा गूंथ के, वो सिंपल बेसन होता है, इसको जैसा जैसा उबाल आता है वैसा वैसा ये गाढ़ा होते जाता है। अब गैस थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका। ये ज्वारी की रोटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, चावल के साथ भी ये बेसन अच्छा लगता है, और चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हो। ये रेसिपी मतलब ऐसी है कि हम कहीं से जल्दी में हमें बनाना हो तो ये रेसिपी हम जल्दी में बनती है, ऐसी रेसिपी है। तो अभी इतना गाढ़ा हो चुका है, इसको अब हम थोड़ी देर के लिए 2 से 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। देखिए बेसन हमारा पक चुका है। इसकी स्मेल भी आती है आपको समझ में, कच्चा जब रहता है तब भी स्मेल समझती है, और ये जब होता है तब भी इसकी स्मेल समझती है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। आप इसके ऊपर तेल डाल के इसको खा सकते हो। ये देखो ऐसा, अब मैंने झकना रखा था इसलिए आपको बताया नहीं था, आपको बताती हूँ। ऐसे जब इसमें ऐसे बूंदे ऊपर आते हैं मतलब भाप ऊपर यहाँ से निकलती है, तब समझना चाहिए कि हमारा बेसन पक चुका है। देखिए आपको आवाज़ आ रहा होगा, हमारा बेसन पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी सिंपल सी बेसन की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप ये इसमें ऐसा तेल डाल के और प्याज के साथ खा सकते हो। 5 से 7 मिनट में बनने वाली ये सिंपल सी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।